दोस्तों, दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी जो कभी टॉप अमीरों की लिस्ट में ऊंचाई पर रहते थे, वहीं अब उन पर फ्रॉड करने के आरोप के कारण उनकी क्रेज लगातार गिरती जा रही है। बता दें कि अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर फ्रॉड और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही अडानी की कंपनी के शेयरों की कीमत लगातार गिरती चली गई, जिससे उनकी नेटवर्थ में बड़ा झटका लगा है। और टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में नंबर 2 पर रहने वाले गौतम अडानी आज टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर होकर 22वें नंबर पर पहुँच गए हैं। बता दें कि जिस गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपनी तस्वीरें खिंचवाया करते थे और मोदी के डेलीगेशन का हिस्सा रहा करते थे, अब उनकी ही सरकार अडानी के इस मुद्दे से बचकर निकल रही है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब अडानी समूह विवादों में घिरा है, तब पीएम मोदी को गौतम अडानी के कथित धोखेधड़ी से दूर रहना चाहिए, यही बीजेपी के हित में रहेगा। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके कहा, मोदी को मेरी सलाह है कि अडानी समूह की तमाम व्यावसायिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके ताकि बाद में नकारात्मक भुगतान की स्थिति में उनकी नीलामी की जा सके। इसके बाद उन्होंने आगे एक और ट्वीट करते हुए कहा, मेरा मानना है कि मोदी सरकार अडानी को धीरे धीरे एक निराशाजनक मामले के रूप में खारिज कर रही है, क्योंकि आसान आना आसान हो जाता है। फिलहाल दोस्तों, आप गौतम अडानी के इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए टारगेट न्यूज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।